हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक, माय सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम डायनेमिक राउट्स की भी नेस्टिंग कैसे करवा सकते हैं। सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था डायनेमिक राउट्स कैसे बनते हैं, उससे पिछले एक वीडियो में हमने देखा कि नेस्टिंग कैसे होती है। बट इन केस आपको नेस्टिंग भी डायनेमिकली करवानी हो तो कैसे किया जाएगा, ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि डायनेमिक राउट्स की नेस्टिंग का एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो हमारे पास में ब्लॉग, ब्लॉग और ब्लॉग, ये तो हमारा क्या हो गया, फिक्स है, यानी ये हमारा स्टैटिक है। लेकिन उसके जो टाइटल्स हैं, ये जो स्लग्स हैं, ये स्लग्स आपके क्या हो गए, डायनेमिक हो गए। फिर उसमें इमेज, ये जो लिखा हुआ है ये स्टैटिक है, और ये हमारा स्टैटिक है, और उसमें ये 1 2 3 ये क्या हो गए, या मतलब ये जैसे इमेज की आईडी है, तो ये क्या हो गए, ये डायनेमिक हो गए। तो लेट से हमने कोई ब्लॉग पढ़ने के लिए खोला और उसके उस ब्लॉग में मल्टीपल इमेजेस थी, तो हमने क्लिक किया ऊपर यूआरएल में, हमारे पास में ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, और हमें वो इमेज बड़े साइज में दिखने लगी। हो सकता है कि एसईओ के प्रस्पेक्टिव से हम लोगों को ऐसे यूआरएल्स बनाने पड़ रहे हैं। तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे, ये समझेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और इस चीज को करने के लिए आप क्या करने वाले हो, प्योरली डायनेमिक क्राउड्स बनाने वाले हो। तो डायनेमिक राउट्स बनाने का एक और सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो लेट से हमारे पास में 10 ब्लॉग्स हैं, मतलब 10 टाइटल्स हैं, और हर किसी में 5 इमेजेस हैं। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो 50 फाइल्स बनानी पड़ेगी और उससे मेरा काम बनेगा, बट 50 फाइल्स तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको रिड्यूस करूंगा और रिड्यूस करके सिर्फ 2 फाइल्स में मेरा काम करूंगा। तो चलिए समझते हैं कि कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है और हमारे प्रोजेक्ट में आ जाते हैं। अब प्रोजेक्ट में ये जो है slug.jsx, इससे आपको थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर /title-1 या title-100 लिख रहे हो, तो ये आ रहा है, दिस इज द टाइटल 100। तो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, हम ब्लॉग के अंदर आएंगे और ब्लॉग के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे जो कि होगा blog_slug, ठीक है, blog_slug। इस फोल्डर में हमने क्या किया है गाइस, इस फोल्डर में हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए और ये ब्लॉग स्लग वाली फाइल इसके अंदर ले ली हमने, और इसको रीनेम करके हमने बना दिया index.jsx, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपली जो फाइल थी उसको एक फोल्डर में कन्वर्ट किया सबसे पहले, यानी उस नाम से एक फोल्डर बनाया, एंड देन आफ्टर हमने index.jsx वाली फाइल बना ली और उसके अंदर ले ली। लेट्स सी अगर ये सेम काम कर रहा है। देखिए अभी भी आप कोई भी राउट पे जा रहे हो तो एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों ने डायनेमिक फोल्डर बनाकर फिर अंदर लेके आ गए। तो अब यहाँ पर वो आपके जो स्लग्स हैं वो आ रहे हैं और इसके अंदर ये जा रहा है। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ एक और फोल्डर बना लिया इमेजेस का, ठीक है, क्योंकि इमेजेस तो एक फिक्स नेम है, बट उसके अंदर जाकर क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो आपने यहाँ पर बोल दिया image_id.jsx, ठीक है। तो आप उसके अंदर आ चुके हो और ये एक रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट बना लेता हूं मैं, इमेज आईडी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो अब ब्लॉग स्लग एक फोल्डर है, वो डायनेमिक है, ब्लॉग एक फिक्स स्टैटिक वर्ड है, ब्लॉग स्लग डायनेमिक है जो इंडेक्स से ऑपरेट हो रहा है, इमेज स्टैटिक है और उसके अंदर इमेज आईडीज डायनेमिक है। तो हम लोग यहां पर भी लगा देंगे इम्पोर्ट एंड यूज राउटर, ओके, यूज राउटर फ्रॉम नेक्स्ट राउटर, और यहां हम लोग लिख देंगे कॉन्स्टेंट पैरम्स, यानी पैरामीटर्स इज इक्वल्स टू यूज राउटर डॉट, और डॉट लगा के हम लोगों को क्या चाहिए, तो हम लोगों को यहाँ पर पैरामीटर्स चाहिए, मतलब हमें चाहिए क्वेरी, ठीक है। तो ये क्वेरी हम लोगों ने उठाकर सीधा यहाँ पर डाल दी है, या एक काम करते हैं पहले तो हम लोग राउटर ही बना लेते हैं, तो कॉन्स्टेंट राउटर इज इक्वल्स टू और यूज राउटर, ठीक है, ये हो गया हमारा यूज राउटर। अब हमारे पास राउटर में क्या मिलेगा, तो हम लोगों को राउटर में सारे के सारे क्या मिलने वाले हैं, सारे के सारे हमको ऑब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोगों ने बोला कॉन्स्टेंट और 2 चीजें हमें मिलेगी, तो हमने लिखा राउटर डॉट क्वेरी। राउटर डॉट क्वेरी हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ डिस्ट्रक्ट कर लिया और हमने बोल दिया कि हमें एक तो मिलेगा blog_slug और दूसरा हमें मिलेगा image_id, ठीक है। 2 चीजें हमने मिलने वाली है, ये भी मिलेगा और ये भी मिलने वाला है, और हम लिख देंगे दिस इज द, ठीक है, image_id इमेज ऑफ, और यहां पर लगा देंगे कि कौन से ब्लॉग की है, तो ये इमेज blog_slug, मतलब ऐसे लिखाएगा दिस इज द वन इमेज ऑफ
ब्लॉक वन, दिस इज द वन इमेज ऑफ ब्लॉक टू, दिस इज द टू इमेज ऑफ ब्लॉक वन, तो ये यहाँ पर चेंज होता रहेगा। अब जैसे ही मैं सिंपली यहाँ पर स्लैश इमेज लिखकर स्लैश वन लिखूंगा तो आपको दिख रहा होगा दिस इज द वन इमेज ऑफ टाइटल वन, मैंने टू किया दिस इज द वन इमेज ऑफ टाइटल टू, या फिर मैंने इमेज के बाद टू किया दिस इज द टू इमेज ऑफ टाइटल टू। तो सिंपली हमने क्या किया, हम लोगों ने जो बेस था जो बाहर था ब्लॉग वो स्टैटिक रखा, फिर एक फोल्डर बना लिया ब्लॉग अंडरस्कोर स्लग, ये डायनेमिक है और ये इंडेक्स जेएस से ऑपरेट हो रहा है। फिर हमने उसके अंदर इमेज इमेजेस नाम से एक और बना लिया, मतलब एक फोल्डर बना लिया, और इमेज अंडरस्कोर आईडी नाम से हमने क्या किया एक और हमने फाइल बना ली इमेज अंडरस्कोर आईडी डॉट जेएसएक्स नाम से, और इस फाइल से हम लोग ये एक्सेस कर रहे हैं। इन केस अगर आप इमेजेस स्लैश नहीं डालते हो तो क्या होगा, ये सीधा बाहर वाले पे चला जाएगा, यानी आप देखोगे कि इंडेक्स वाला कोड लोड हो रहा है। बट अगर आप स्लैश इमेजेस डालते हो या आपने स्लैश इमेजेस सिर्फ डाला तो 404 आ जाएगा, बिकॉज ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ कुछ आए, और आप जब 123 कुछ डालोगे तो वो ये जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो इसको मिल गया और ये कोड लोड हो जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है गाइस, सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, नेस्टिंग करवा रहे हो डायनेमिकली किसकी, राउट्स की। तो अब आपके पास में 100 ब्लॉग्स हों और हर ब्लॉग में 3 इमेजेस हो तो 300 फाइल्स नहीं बनानी है, आपने सिंपली ये बनाकर छोड़ दिया एंड दैट्स इट। आपकी अगर 100 ब्लॉग की, जैसे मैं अगर बोलता हूँ 100 का 3 तो भी ये लोड हो जाएगा टाइटल 100 का 3rd इमेज। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट कैसे वर्क कर रहा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।